नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक और सीट पर बीजेपी में बगावत हो गई है। कालाढूंगी विधानसभा सीट पर अब कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कालाढूंगी विधानसभा से टिकट के मजबूत दावेदार भाजपा नेता गजराज बिष्ट बागी हो गए हैं और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। गजराज बिष्ट को कालाढूंगी विधानसभा सीट से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट ना मिलने पर इस उम्मीद के साथ गजराज का दिल भी टूट गया है और उन्होंने आज बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। टिकट ना मिलने से गजराज सिंह बिष्ट कितने दुखी हैं, इसका अंदाजा उनकी फेसबुक पोस्ट से लगाया जा सकता है। गजराज ने लिखा, धन्यवाद भाजपा मेरे प्यार के लिए और तुम्हारी नफरत के लिए। मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आओ एक नया दीप जलाएं। गजराज ने साथ ही लिखा, कालाढूंगी की प्रिय जनता को मेरा सादर प्रणाम। आप सबसे मिले प्यार एवं आशीष वचनों के लिए धन्यवाद। कल दोपहर 12 बजे विधानसभा 2022 के लिए तहसील कालाढूंगी में अपना नामांकन पत्र जमा करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि कालाढूंगी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से मैदान में उतारा है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।